लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज सीन नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। घर पे कोई है भाई? कहाँ है सब? घर पे कोई है? बाबा साई, अरे बाबा साई, बाबा मेरी बेटी मुझे दी, खुश तो है ना तुम? बाबा साई मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और सबको तंग करने में बहुत मसरूफ हूँ। बाबा इतना भी तंग नहीं करना कि तुमको गांव में भेज दे, फिर वहाँ पर मैं तंग हो जाऊंगा ना। बाबा किसी की मजा ले जो मेरे साथ ऐसा करे। अच्छा वो तुम्हारा भाई बच्चू किधर है? आपको तो पता है ना, होगा अपनी बेगम के कदमों में और किधर होगा। अरे बच्चू, अरे किधर है तू बच्चू? अरे बाबा साई आप? अरे बाबा साई कैसे आना हुआ आपका? अरे बाबा बस मैंने कहा काफी दिन हो गए, चक्कर ही नहीं लगाया है ना मैंने। अच्छा बाबा साई वापस कब जा रहे हैं? अरे बाबा तेरे को तो बड़ी जल्दी है मुझे वापस भेजने की। अरे नहीं नहीं, आराम से पानी पीकर फिर चले जाइएगा। वाह बाबा, अपने अब्बा को भी ऐसे बोलती हो तुम? हाँ बिल्कुल। अच्छा क्या हो रहा है? लो अब बोलो। पापा आप भी ना? हमने क्या कर दिया डैडी? आप रहना, पिछले हफ्ते ही तो आप गए थे वापस अपने घर। अरे तो बाबा ठीक कह रही है ना, इंसान को अपने घर में ज्यादा रहना चाहिए। ये मेरे बेटी का घर है, जब दिल करेगा आएगा, जब दिल करेगा जाएगा। हाँ तो ये मेरे बेटे का घर है, मेरा भी दिल जब चाहेगा मैं आएगा, और जब चाहेगा मैं जाएगा। बेटा या बेटी चाहे या ना चाहे। चलो यार चलते हैं, घूमेंगे फिरेंगे, खाना खाएंगे और क्या करेंगे। अच्छा हाँ ठीक है। अरे वाह हम लोग भी चले। इंसान को अपने घर में रहना चाहिए ना। आ जाओ चले। अरे बाबा ये तो चले गए अकेले अकेले, अब क्या होगा? अच्छा यार चलते ना घूमते फिरते। अच्छा बात कर रहे क्या, समझ आया ना? अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबा हम घूमने जा रहे हैं, तुम छोड़ो इस बात को। अच्छा तुम एक काम करो। अरे नहीं सर, एक काम के बाद दूसरा काम लगा पड़ा हुआ है। खैर बच्चे काम आ रहा है, ये मजाल है? नहीं मजाल की बात नहीं सर, मैं आज बहुत मसरूफ हूँ। जो बोला तुमको वो करने का। अच्छा बोले। बात ये है कि सबसे पहले तुमने जो है ना, हाँ वो जो बोला है ना वो काम करके रखना तुम। इधर खड़ा नहीं होने का, चल अंदर जाओ। चल हम लोग चलते हैं ना। चलो बस यानी गाड़ी तुम चलाना, मेरा तबीयत ठीक है। अच्छा हाँ चलो। हाय हाय यार आज कुछ ज्यादा ही काम है। चल थोड़ी देर के लिए सुकून तो मिला। यार थोड़ा रेस्ट कर लो। जानी आ रहे हो? जानी यार क्या मुसीबत है। जी जी मैडम आ रहा हूँ। जानी आ रहा हूँ ना। इतने हड़हराम लोग मैंने जिंदगी में नहीं देखे। फाइल यहाँ से उठा के यहाँ रखनी थी, बताओ उसके लिए भी। जानी हद जानी। अरे बाबा अच्छा हुआ है तुम मिल गया। क्या वो सर? बाबा एक काम है। खुदा के वास्ते कोई काम ना बताए, पहले इतने काम लगे पड़े। क्या मतलब बाबा तुम मेरे काम को मना कर रहे है? अरे नहीं मना नहीं कर रहा, मैं कह रहा था थोड़ी देर बात कर लेता। नहीं बाबा मेरा काम होगा तो अभी होएगा। लेकिन सर। लेकिन वकीन क्या बाबा, हम तुम्हारा मालिक है या कोई और है? भाई यहाँ तो कहानी उल्टी चल रही है, हर आदमी अपने आप को मालिक समझ रहा है। क्या मतलब है? छोड़े क्या काम है? समझे हो गया? बस मैं यूं गया और यूं आया। जाओ बाबा जाओ, जाओ जल्दी जाओ। शुक्र है कोई काम तो करता है। ओ भाई किचन तो ऐसा लग रहा है जैसे सदियों से साफ ही नहीं है। क्या करूं ये देखो बेल, बंगले पे बंगले खरीद रहे, एक बेलन नहीं खरीदा जा रहा इनसे। या अल्लाह। डाकू मंगल सिंह इंतहाई खतरनाक डाकू, पुलिस को इस डाकू की तलाश है। इस डाकू को आखिरी दफा कराची शहर में देखा गया। जो भी इस डाकू को जिंदा या मुर्दा पुलिस के हवाले करेगा उसको पूरे 2 करोड़ रुपए मिलेंगे। जी हाँ पूरे 2 करोड़ रुपए। और आपको ये नौकरों वाला काम करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी,
ऐसे नसीब हमारे कहाँ कि ये डाकू हमें मिल जाए। जाने 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 मेरे को बहुत भूख लग रही है, ऐसा करो बाहर जाके मेरे लिए कुछ खाने के लिए तो ले आओ। देखनी नहीं कितना काम में मसरूफ हूँ मैं, जो यहाँ पका हुआ वही वही खा ले आप। शुक्रिया आपका। ज्यादा मेरी माँ बनने की जरूरत नहीं है। चलो शाबाश, जितना बोला उतना जाके करो, लेकर आओ मेरे लिए कुछ खाने के लिए। काम कर रहा हूँ तो मेरे पैसा न कर रहे क्या? ये मंगल डाकू मुझे मिल जाए और मुझे गोली मार दे, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, हर वक्त जलील हो रहा हूँ। अब मिलता है इनका डाकू। अरे बाबा क्या पता, क्या भरोसा हमको मिल जाए तो। डराने की क्यों बात करता बाबा? अरे बाबा इसमें डरने वाली क्या बात है यार, और डर से ज्यादा जो है ना इनाम की रकम का सोच, इनाम की रकम का। तो वो जिंदा होगा तब मिलेगा ना रकम। बाबा तुमने वो सुना नहीं है कि मुर्दा का डबल इनाम मिलता है, हाथी मरे तो 2 लाख का, जिंदा तो 1 लाख का। क्या हो गया? वो यार सामने सड़क पर कोई बंदा गिरा हुआ पड़ा हुआ है ना, साइड से निकालने का। अरे क्या शहरी बाबू हो तुम यार, उतर के देख लेते है ना। अरे नहीं भाई हमको क्या पता कौन है वो। अरे बाबा कोई भी हो, इंसानियत पहले यार। चलो भाई उतरो। अरे क्यों डराते हो यार? मंगल सिंह ना मंगल सिंह। अरे कहाँ भाग रहे हो यार, रुको रुको, तो काम से सोने जाना है। सोने को रहने दो बाबा, देखो बात सुनो, पुलिस को इतला 2 करोड़, सोचो भाई। वाह वाह वाह, ये तो हमारे जहन में नहीं आना जी। और मेरे ख्याल में ये मर भी गया है। ये तो और अच्छा बात है ना जी। देखो हम इस सन्नाटे का फायदा ले रहे हैं। हाँ। इसको उठा के डिग्गी में डाल के घर चलते हैं, वहाँ चलकर पुलिस वाले को इतला कर देते हैं। क्या जहानत की बात किया तुमने, कौन बोलेगा तुम दूध वाला? अरे दूध वाला नहीं बाबा, मैं मालिक हूँ बाड़े का, बाड़ो वाला हो जाऊंगा। हाँ और ज्यादा हो जाएगा ना। हाँ। हाँ, तो चलो उठाते चलो, चलो। उठाओ आ जाओ, हिम्मत करो, आ जाओ शाबाश, आ जाओ उठाओ इसको। चलो उठो स्कूल नहीं जाना। जानी जानी तुम कहाँ रह गए हो? ओ जानी आ गया। जानी पौधों को पानी दे रहा था। मैंने जो काम कहा था किया कि नहीं किया अभी तक? अरे भाई मैं वह करने ही वाला था के। अरे बाबा जानी अभी तुम यहीं खड़े हो बाबा, जाओ मेरा काम करो बाबा। भाई आप दोनों डिसाइड कर लो पहले किसका काम करना है, आपका या आपका। अरे बाबा मेरा करना है। क्यों भाई मेरा? अरे नहीं बाबा मैं। अरे बाबा क्या हो गया, तुम अभी तक यहाँ पे खड़े हुए हो? मैंने तुम्हें कहा था खाने के लिए मैंने कुछ लेकर आओ, तुम अभी तक चलो यहाँ से, जा लेकर आओ। अरे जरीना पहले मेरा काम। मैंने सबसे पहले बुलाया था उसे। अरे चुप करो, मैंने इसको पहले बोला था खाना मेरे लिए लेकर आएगा। हर वक्त खाती रहती हो तुम, अभी फिर खाना मेरे अदा का करे तुम। अरे तुम मेरा काम करोगे? अरे अरे बाबा इनको लड़ने दो, मेरा काम करो। अरे तुम क्या कर रही हो तुम, समझी क्या अपने आपको? लड़ो 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 और लड़ो। बच्चों से समझा लो, मैं बता रहा हूँ मैं संभालूंगी। घर के आदि मालिक हो तो आदि मालिक मैं भी। हर वक्त तो खाती है। भाग गया बाबा उसको तो पकड़ो। हो ये सब जरीना की वजह से हुआ है। खट्टा मीठा खट्टा मीठा। या अल्लाह क्या अजाब है, कोई इधर बुला रहा है कोई उधर बुला रहा है, ये कर दो वो कर दो, या अल्लाह मैं किस अजाब में फंसा हुआ हूँ, या अल्लाह मुझे उठा ले या लमे। अब क्या मजाक में नहीं कर सकते? अरे अल्लाह ये जगह सही लग रही है, यहाँ बैठ जाता हूँ। क्या अजाब है यार, कहाँ बैठूँ, ढूंढते रहो अब मुझे। आप बताओ बोला दूध बेचने वाला पढ़े लिखे मैनेजर को किस तरीके से बेइज्जत कर रहा है। या अल्लाह ये दिन भी तूने मुझे दिखाने थे आज। ढूंढो ढूंढो ढूंढो। जल्दी जल्दी आ जाओ। अरे जल्दी आ जाओ यार जल्दी आ जाओ। हाँ वो डिग्गी खोल कर देखे ना। पागल करेंगे डिग्गी में से कब भाग जाएगा? अरे बाबा देखो फिर भी यकीन कर ले, बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। खोलो खोलो खोलो। 2 करोड़ पड़ा हुआ इधर। बस बंद करो जल्दी, बंद करो बंद करो बंद करो। चलो आ चलो चलो आ जाओ आ जाओ। हेलो सीमा किधर गया? बच्चों जरीना।
अरे बच्चू बाबा किधर आओ? जरीना। अरे बच्चू भागते आओ भाई जल्दी आओ। अरे बाबा क्या हुआ है, क्या हुआ है बाबा? पापा जाने अपनी आवाज दी। हाँ बाबा, मेरे को तो ऐसा लगा जैसे जलजला आ गया है। उससे भी बढ़कर हो गया जी। हाँ बाबा, ऐसा क्या हो गया बाबा? डाकू मंगल सिंह का नाम सुना है ना? बड़ी हाँ बाबा, मैं भी देख रही थी, पुलिस को उसकी तलाश है। हाँ वही वही बाबा वही। लेकिन इस सबसे आपका क्या ताल्लुक है? अरे बाबा, वो डाकू तो बहुत खतरनाक है, उसके सर पे तो इनाम भी है। हमने उसको पकड़ लिया। क्या? हाँ। गोड़ाड़े, आप लोगों ने डाकू को पकड़ लिया? अरे हाँ ना भाई, पकड़ लिया ने। पापा ये क्या मजाक है? बेटा मजाक नहीं है। और नहीं तो क्या है, आपसे अपना बैग नहीं पकड़ा जाता, डाकू कैसे पकड़ेंगे? वो मेरा गाड़ी के सामने आ गया ना एकदम। अच्छा फिर? फिर क्या, हम गाड़ी से उतरे और वो बाबा हमारे पास आ गया। और फिर? फिर उसने हमको देखा, पहले बलदार डरा, उसके बाद वो डर गया। मतलब बाबा उसके पास गन थी, फिर भी आप दोनों को देख के डर गया? आँख में आँख डाला ना, घबरा गया, घबरा गया। बाबा साईं आप भी? अरे हाँ बाबा, मैं भी इसके साथ था, वो बताना इनको मैंने भी। हाँ हाँ, ये भी साथ ही था हमारे। अच्छा बाबा, अभी वो डाकू है किधर? गाड़ी का डिग्गी में जी। क्या गाड़ी में? हाँ। अरे बाबा मुझे तो डर लग रहा है। डरने का क्या बात है, चलना हमारे साथ चलने का। नहीं नहीं पापा जानी, मैं अभी दोस्तों को फोन करके बुलाता हूँ, वो भी आ जाएंगे, फिर चलेंगे बाबा। मैं दोस्त को फोन करके आती हूँ, हाजिर ही ना। हाँ ठीक है, तुम भी किसी बहाने से चला जाएगा। नहीं आ जाओ, हम चलते हैं अंदर। अरे बाबा ये खतरनाक डाकू हम सब ने मिलकर पकड़ा है। लेकिन ये डाकू आपको मिला कहाँ? अरे बाबा ये तो लंबी कहानी है, बाबा सही आएंगे तो बताएंगे। ओहो इतनी जल्दी भी क्या है तुम्हें कहानी सुनने की? मर्जी है लेकिन डाकू तो दिखाओ। क्या मतलब है, इतनी उतावली क्यों हो रही हो, क्यों मरी जा रही हो? कभी जिंदगी में डाकू नहीं देखा पहले? देखा तो है यार, लेकिन मंगल डाकू पहली बार देखेंगे। अरे बाबा अभी कोई मसला नहीं है, मेरे बाबा जानी आएंगे, डिग्गी खोल के सबको दिखाएंगे, बाबा देख लेना। तुम्हारे बाबा जानी ने पकड़ा है इसको? हाँ बाबा। अरे हमारे बाबा साईं और पापा जानी दोनों लगते बहुत शरीफ हैं, और हैं भी, मगर पता पीछे से एकदम हीरो टाइप है, क्या फाइट करते हैं, क्यों जरीना है ना? हाँ हाँ, तो तुम्हारे बाबा जान ने डाकू को पकड़ा है? हाँ हाँ। तो फिर तो मंगल डाकू के साथ साथ तुम्हारे बाबा जी से भी मिलना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं। अरे बाबा मेरे बाबा जानी से भी मिल लेना, कोई मसला नहीं है, पहले डाकू मंगल को तो देख लो। लेकिन कब दिखाएगा मंगल? जुमेरात को। अरे आगे बाबा आगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बाबा ये कहाँ गया? इससे मैं जाना, मैं खुद देखा। तो खुला छोड़ा था? अरे बाबा ने बांधा ही कब था, वो तो बेहोश था ना। अरे बाबा बेहोश? आपने तो कहा था कि अपनी जान पे खेल के उसको हमने पकड़ा था, किधर चला गया बे? दरअसल हमने जो है ना उसे इसका मतलब है कि इन लोगों ने मुर्दा डाकू पकड़ा था। अरे बाबा लाश फिर कहाँ गायब हो गई? लाश नहीं थी भाई, बेहोश था वो। ओहो तो लगता है कि भाग गया। क्या भाग गया? अरे बाबा मेरे ख्याल में हम सबको अंदर जाना चाहिए, अगर वो जाग गया तो जान पहचाना मुश्किल हो जाएगी। 2 करोड़ भी गए। अच्छा खासा 2 करोड़ मिल रहे थे, निकल गए ना। और 1 करोड़ तुमने मुझको देना था यार, तू भूल गया वो? वाह भाई वाह, यानी आप दोनों ने पूरे 2 करोड़ रुपए डिग्गी में खुले छोड़ दिए, वाह। अरे बाबा इसका मतलब है डाकू मंगल सिंह जो है ना वो डिग्गी से बाहर आ गया और होश में, हमारी जान को खतरा है बाबा, भागो भागो। अरे बाबा भागो, अंदर में से भागो बाबा, आ जाओ बाबा भागो। खट्टा मीठा खट्टा मीठा यार, इतनी सी तनख्वाह पे इतना सारा काम, या अल्लाह, या तो मेरे मालकान को उठा ले या फिर इन्हीं को ही उठा ले, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं इतना मसरूफ चल रहा हूँ। या अल्लाह। खबरदार हिलने की कोशिश मत करना, मेरे हाथ में दो मुंह वाला खंजर है, इसको कहते हैं मछली खंजर, ये जिसे में जाके तैरता भी है, अगर हिला ना तेरे जिसे में उतार दूंगा, बता दिया मैंने। मार दे मेरे भाई, मैं तो तंग आ गया इस जिंदगी से। ये तो पहले से 302 केस बैठा हूँ मेरे लिए। ओ भाई क्यों मरना चाहता है तू? इधर आ भाई, इधर बैठो, मेरी दुख भरी स्टोरी सुन भाई। क्या हुआ? पता क्या, मैं क्या करूं? बस कर दे, तेरी कहानी में दर्द बहुत है,
इसमें रोमांस है ना फाइट है ना कोई कॉमेडी है, इसीलिए तो कह रहा हूँ मार दे भाई, ऐसी जिंदगी का क्या फायदा। नहीं अब तो मरेगा नहीं, तू जिएगा और जैसे मैं कहूंगा वैसे। कैसे? तू इन सब घर वालों से पहले मुझे मिला। हा? और सुन, पहले मैं जाऊंगा। क्यों? दुनिया में पहले मैं आया था ना, बाद में तू आना, ठीक है ना? तू सिस्टम उल्टा करना चाह रहा मनुष। और सुन, मैं तुझे बताता हूँ करना क्या है। चलो फिर आओ आओ, चप्पल कहाँ गई मेरी? आई आई हो भाई, अब यूं अफसोस करने का क्या फायदा, जो होना था हो गया, अब जाने दो। कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तुम्हें तो भाग गया था ना डिग्गी में से। भाई तुम जिंदा कैसे हो गए? लगता है बाबा बदला लेने आया है। तुम्हारी शादी हो गई है क्या? हल्की फुल्की हुई थी मंगनी। बकवास बंद करो। मैंने छुरी से गोली मारूंगा, पता है इसमें ये ऑटोमेटिक वेपन नहीं है, मुझे पुलिस का हवाला करना आते। जो मैं बोलूंगा वही करना, बोलता क्यों नहीं? जी 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 जी। तू क्यों नहीं बोल रहा हो? तेरी जुबान पे पांव रख के कोई खड़ा हो गया? मैं बोल रहा हूँ, सब बोल रहे हैं ना। ठीक है ठीक है, ऐसे बोलो। बड़े आए बल्कि दही बड़े आए मुझे पकड़वाने वाले। खोलने करना चाहिए। कोई नहीं खोल रहा, मैं खामोशी से खड़े रहो। मत खोलना, खुलते ही काटेगा। अरे बाबा ये क्या कर रहे हो, हमको तो खोल दो ना। अरे जानी क्या हो गया, खोलो ना, मजाक छोड़ो। चुप करो सारे। खबरदार कोई अपनी जगह से नहीं लेगा। अरे बाबा कैसे हिलेंगे, सब तो बंधे हुए हैं। जानी तूने तो आज डाकू पकड़वा लिया है, पुलिस की तरफ से तुझे 2 करोड़ रुपए इनाम मिलेगा। वाकई? हाँ हाँ वाकई। जानी इसके साथ और कौन कौन शामिल है? नहीं बाबा हम तो नहीं है। नहीं 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 भाई नहीं भाई नहीं नहीं, हमने नहीं किया ना, मैंने नहीं किया। हेलो हाँ, मैं बेग बात कर रहा हूँ, जल्दी से पुलिस की नफरी भेजो, मैंने मंगल सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। ओ भाई पहले मैं बैठूंगा मोबाइल में। हाँ पिछली दफा भी मुझे जगह नहीं मिली थी। जानी बताओ ना बेग साहब को कि क्या क्या सच है, बताओ सच बताओ सच बताओ। अब तुम बताओ सच सच कि कौन कौन था? सारे सारे सारे। अच्छा तो तुम साथ थाने चलो। मैं ग्वालन हूँ, दूध बेचती हूँ। अरे बाबा तुम दूध बेचती हो, वाह तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई। इसमें खुशी वाली कौन सी बात है? क्या मैं यहाँ रह सकती हूँ? क्यों बीबी, तुम्हारा अपना घर नहीं है क्या? नहीं ना बाबा, तभी तो रखा है इसको इसलिए। अब खैर तुम परेशान मत हो, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखाता। अच्छा है तो प्यारी है, तुम बच्चों को इस बात पर कायल कर लो कि ये लड़की जो है ना इतनी प्यारी है, इससे आप ऐसे काम करवाएंगे? मेरा तो दिल करता है अल्लाह कोई प्यारी हो जाए। बोलो लेकिन एक बात याद रखो, जमीला के बारे में मैं कोई बुराई नहीं सुनूंगा। क्या बात है, बड़ी जल्दी फिदा हो गए आप तो। क्या बोला बाबा? देखना मैं तुम्हारे लिए ऐसा कुछ करूंगा कि दुनिया देखेगी बाबा। सच में? अरे बाबा तुम्हारी जान की कसम। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा